वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy। दुनिया में किस चीज का आप बोलती है यार, ये हमारे मुंह पे लानत है, ये हमारे मुंह पे काला धब्बा है जो दुनिया में बोलती है। हमें इस चीज को ठीक करना चाहिए। लेकिन आज इंडिया ने देखो 16 बिलियन डॉलर की मोबाइल फोन्स की एक्सपोर्ट ठोक डाली है दुनिया में, और अगले साल का रिकॉर्ड भी रख दिया कि 25 मिलियन की एक्सपोर्ट मारनी, 25 बिलियन डॉलर की। और आप खुद सोचो ना कि 25 बिलियन डॉलर एक साल में, यानी 10 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट ये मारने जा रहे हैं। ये देखो रिकॉर्ड भाई, 42% की इन्होंने भाई सब एक्सपोर्ट मारी है एकदम। इतना तो हमारे पास रिजर्व भी नहीं है। रिजर्व, आप रिजर्व की बात करते हैं, हमारे पास भाई सब 3 बिलियन डॉलर नहीं है और आप 16 बिलियन डॉलर का रिजर्व का कह रहे हो। यार 16 बिलियन डॉलर होते हैं ना भिखारियों के पास, हम भिखारी। आज ये दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, देखिए अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत सरकार ने आंकड़े जारी करे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के, मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2023 को पिछले साल, और खत्म हुआ ये 31 मार्च 2024 को, यानी अब से 2 महीना पहले फाइनेंशियल ईयर 2024 खत्म हुआ। इन टोटल 12 महीनों के दौरान भारत के जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट है, यानी कि भारत में मोबाइल बनाकर हमने कितने बेचे हैं दुनिया भर के देशों को, उसमें 42% का जंप आया है। जी हाँ, यानी कि इन 12 महीनों में हमने 42% की रफ्तार से मोबाइल दुनिया को बेचे हैं, वो भी बहुत बड़े लेवल पर। इतने बड़े लेवल पर दरअसल ये टोटल आंकड़ा बैठा है 15.6 अरब डॉलर का। जी हाँ, हमने 15.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के मोबाइल बनाकर दुनिया के तमाम देशों को बेच डाले हैं, जो कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा है, क्योंकि हमने पूरे इतिहास में कभी भी इतने स्मार्टफोन बनाकर नहीं बेचे। उल्टा हम तो इससे ज्यादा रकम के स्मार्टफोन चीन से खरीदा करते थे और अपने देश में चीनी कंपनियों को कमाने का मौका देते थे, लेकिन भारत ने पिछले 3 सालों में ऐसा तख्ता पलट किया है, इसे देखकर भारत के दोस्त और दुश्मन तमाम देशों की आंखें फटी रह गई हैं, और आने वाले समय में ये रिकॉर्ड और भयानक होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हैं उनकी रफ्तार 42% है, यानी कि हर साल ये बढ़ती जाएगी, वो भी बहुत तेजी रफ्तार से। कितनी तेज रफ्तार से, बताया जा रहा है कि इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2024 को और खत्म होगा अगले साल 31 मार्च को, इन 12 महीनों में भारत की जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट है ये बड़ी आराम से 25 बिलियन डॉलर को टच कर सकते हैं। हालांकि ये 25 बिलियन डॉलर का आंकड़ा जो भारत के तमाम बड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने पिछले साल की ग्रोथ को देखते हुए अंदाजा लगाया है, लेकिन आपको बता दो भारत इस आंकड़े को बुरी तरीके से बीट करेगा, क्योंकि ये आंकड़ा तो तमाम जो ऑलरेडी भारत में फैक्ट्रियां लग चुकी हैं उनका आ रहा है, और कंपनियां बता रही हैं, जैसे कि जो अमेरिका की गूगल कंपनी है वो भी भारत के अंदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का, अपने जो पिक्सल डिवाइसेस हैं उनका एक बहुत विशालकाय प्लांट लगाने जा रही है दक्षिण भारत में, और वहां पर बड़े लेवल पर पिक्सल स्मार्टफोन ना सिर्फ बनाकर भारत में बेचे जाएंगे बल्कि पूरे एशिया में एक्सपोर्ट होंगे। नहीं नहीं, एप्पल की प्लानिंग है कि भारत में और बड़े लेवल पर एक्सपेंड किया जाए और कुछ और फैक्ट्रियां इसी साल कुछ ही महीनों के अंदर तैयार करके वहां से स्मार्टफोन बनाकर ना सिर्फ भारत में बेचे जाए बल्कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट हो। इसके अलावा जो दक्षिण कोरियाई कंपनी है सैमसंग, उसके भी भारत को लेकर बड़े मेगा प्लान्स हैं जो कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एग्जीक्यूट होने हैं। यानी देखा जाए तो भारत में और बड़ी बड़ी विशालकाय स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगने वाली है, जिसकी वजह से भारत का ओवरऑल जो एक्सपोर्ट होगा स्मार्टफोन का ही सिर्फ, वो इतना ज्यादा विशालकाय होगा जितना आज तक हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन इसे देखकर भारत के पड़ोसी देशों की लिटरली लंका लग पड़ी है, क्योंकि वो देश जहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट ज्यादा है, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल वगैरह देश, हालांकि इनका भारत से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये देखकर हैरान है कि जितनी हमारी टोटल जीडीपी नहीं है, जैसे कि नेपाल 30-40 बिलियन डॉलर की इनकी जीडीपी है, उससे ज्यादा के स्मार्टफोन भारत आने वाले समय में बेचने वाला है, और ऑलरेडी 15 बिलियन के पार जा चुका है, जो कि इनका
टोटल भाई, मैं क्या बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगले साल का बोल रहे हैं ना, इंडिया का भाई पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट है ना एक साल की, उतने सिर्फ मोबाइल फोन इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है उस दिन नहीं, ये अभी अगले साल का रिकॉर्ड भी रख दिया चौथी बड़ी एक्सपोर्ट भारत की है, भारत की चौथी बड़ी सबसे, मतलब मारने जा रहे हैं सच बता रहा हूँ। देखो चाइनीज फोन इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजें होती है ना, कुछ ऐसी चीजें जिसका वो वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब होती है ना वो अगली कंट्री के लिए यही समझो वरदान है, किसान ठीक है, गलवान का इंसिडेंट मैं कहता हूँ इतना फास्ट मैंने अपनी लाइफ में कोई देश नहीं देखा है, और थिंक टैंक भी जो होंगे ना दुनिया के उन्होंने भी नहीं देखा होगा कि एक देश इतना फास्ट अपना आत्मनिर्भर एक वो कंट्री यार, बंदा एक कहता है ना इंडिया ने 20 साल इसके ऊपर काम किया, बंदे को समझ नहीं, शर्म करो पाकिस्तानी, जब 30 साल के अंदर इंडिया गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो थैंक यू।